Welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, hi, my name is Vanshika and I create fashion, food, lifestyle and all the digital content. तो आज की ये वीडियो आने वाली है one and only makeup haul from Shopee app. तो Shopee app पे makeup का सामान इतना ज़्यादा affordable था ना, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि Shopee app के makeup products की quality कैसी है. काफी सारा सामान order करा है Shopee app से, ये देखिए इसमें काफी सारा सामान दोनों boxes में. तो बिना किसी देरी के let's get started. तो अब सबसे पहले तो मैं अपने बाल पीछे कर लेती हूँ प्रॉपरली. मजा आएगा ना भिड़ो. ठीक है. आइटम वन, पहला प्रोडक्ट ये है हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. एंड ये देखने से तो काफी सही लग रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं. काफी ठंडा लग रहा है. मल के बारे में ये बोलना चाहूंगी मैं कि ये काफी लाइट वेट प्रोडक्ट है एंड इस रेंज में दिस प्रोडक्ट इज वेरी ऑसम, यू मस्ट ट्राई. एंड ये बहुत ही ठंडा भी है. ये कर लो पहले. आइटम टू, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर आवर प्राइमर इज फाउंडेशन. तो ये फाउंडेशन की मुझे कुछ ऐसी ट्यूब रिसीव हुई है एंड इस पर भी लिखा हुआ है हुडा ब्यूटी. सो इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं. Review time. इस review time, ये foundation is a total fail. First of all, तो ये मेरी skin पर बिल्कुल भी show ही नहीं हो रहा है. And secondly, मुझे थोड़ी allergy भी feel होने लगी है. And thirdly, इसके ये patches type, white patches भी यहाँ रह गए हैं. And properly blend भी नहीं हुआ. Item 3. Third चीज जो कि हमें receive हुई है, वो है ये contour और highlighter stick. ये कुछ ऐसी दिखती है. एंड बेसिकली इसमें कोई शेड नहीं था, ये एक ही पीस अवेलेबल था. इस साइड कॉन्टोर है और इस साइड हाइलाइटर है. क्या सीन है. सो हमारा जो कॉन्टोर का शेड है वो एक चॉकलेटी टाइप ब्राउन है. Review time. अब अगर मैं स्टिक की कॉन्टोर वाले पोर्शन की बात करूंगी ना, तो ये दिखने में तो चॉकलेट ब्राउन था पर असल में ये प्रॉपर ऑरेंज है. एंड ढंग से ब्लेंड भी नहीं हुआ. ये देखिए आप ऐसे करके यहाँ पे पूरा ऑरेंज मार्क आ रहा है. इसको मुझे अपने हैंड से ही बहुत ज्यादा रब करना पड़ेगा, तब जाके ही इस कॉन्टोर का कुछ होगा. तो ये बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है. आई डोंट थिंक आई विल रिकमेंड यू दिस बिकॉज ये ब्लेंड तक नहीं होता है. इट्स अ फेल. आइटम 4. सो नेक्स्ट चीज जो कि मैंने ऑर्डर करी है ये L18 का आई ड्रामा काजल. एंड इसको चेकआउट कर लेते हैं कैसा है, बिकॉज आई लाइनर और आई शेडो वगैरह तो मैंने ऑर्डर करा नहीं है. तो इसको ही ट्राई करके देख लेते हैं और इससे ही एक स्मोकी आई क्रिएट करने की कोशिश कर. तो सबसे पहले तो मैं इस काजल को अपनी आई लिड्स के ऊपर लगा लूंगी, रफली लगाऊंगी बिल्कुल थिन लेयर में. अब मैं इसको तब तक ब्लेंड कर लूंगी जब तक मुझे एक स्मोकी सी लुक ना मिल जाए. तो मेरा काजल प्रॉपरली मैंने स्मज कर लिया है. अब मैं लूंगी एक ब्राउन शेड और अपने स्मज्ड काजल के ऊपर इस ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. मैं इस काजल को अपनी लोअर लैश लाइन पे प्लेस कर लूंगी. तो मेरी एक साइड कुछ ऐसी लग रही है. रिव्यू टाइम. वो हमारा ब्लैक स्मोकी है कुछ ऐसा दिख रहा है. एंड ये काफी सुंदर लग रहा है. एंड दिस काजल, इसका मैं अगर रिव्यू की बात करूं तो दिस इज अ 10/10. दिस इज वेरी नाइस.
गाइस, आप लोगों को ब्लश के लिए अब मैं एक छोटा सा हैक बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको लेनी है थोड़ी सी बोरोप्लस का थोड़ा सा पार्ट, हमें अपने हैंड्स पर ऐसे ले लेना है। ऐसे ले लिया है ना, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें लेना है आई शेडो। यस, हमें अपना आई शेडो लेना है। तो मेरे को ये वाला चूज करना है ताकि मैं पिंकी 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 पॉन्की ब्लश लगे। ठीक है, एंड अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड इसको हम लगाने वाले हैं अपने चिक्स पर। क्या करना है, थोड़ा सा दोनों फिंगर्स के बीच में लिया एंड ये बहुत ही क्यूट सा टेंट लगता है। एंड अगर आपके पास ब्लश नहीं हो तो आप इस टेक्निक से बहुत ही क्यूट सा ब्लश क्रिएट कर सकते हैं। आइटम 5 गाइस, अब हम अप्लाई करने वाले हैं अपनी लिपस्टिक को। तो लिपस्टिक मैंने आपको पिछले अपने शॉपिंग हॉल्स में दिखाई थी, जैसे कि तो मेरे को इसका 4 का पैक मिला था। सो अब इसमें से हम एक शेड चूज करने वाले हैं। आई विल गो विद दिस शेड। इसको हम थोड़ा सा लाइट करने वाले हैं बिकॉज स्मोकी आइज के साथ इतना ज़्यादा डार्क शेड चलता नहीं है। मैंने अप्लाई कर लिया है पर ये बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, तो इसको हल्का सा लाइट करने के लिए मैं यूज करूंगी अपना नॉर्मल पाउडर, अपना नॉर्मल लूज पाउडर, एंड इसके ऊपर हल्का हल्का डैप कर लूंगी। उसकी मदद से इसका शेड हल्का सा लाइट हो जाएगा। ये देखिए, लिपस्टिक का कलर लाइट हो गया ना। तो ये थी एक और हैक जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ लिपस्टिक का कलर ज्यादा ही डार्क लग रहा हो तो। Review time. This lipstick is a total pass. Item 6. अब हम try करने वाले हैं अपने इस contour stick की दूसरी side, यानी कि हमारा highlighter. तो ये कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले तो इसको अपने hand पे use करके देख लेते हैं। ये कुछ silverish tone में आ रहा है, plain white लग रहा है, but let's try. Review time. So guys, अब बात करें इस हाइलाइटर की रिव्यू की, तो ये हाइलाइटर से ज्यादा फाउंडेशन स्टिक है बिकॉज इसने स्पार्कल देने की जगह मेरी स्किन पर ये देखिए व्हाइट व्हाइट पैचेस छोड़ दिए। मेरे को लगा कि ये लग नहीं रहा इसलिए मैंने ज्यादा यूज कर लिया, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बट इसने मेरी नोज और चिन को तो काफी अच्छा हाईलाइट करा है, पर पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पर मेरे फोरहेड और मेरे चिक रीजन पे वर्क कर रहा। आई डोंट नो, सो आई एम इन बिटवीन फॉर दिस। Item 7. So the last thing is this makeup fixer. ये कुछ ऐसा दिखता है। This is from the brand called Huda Beauty. ये मीशो पर भी अवेलेबल है। So let's try. Review time. इसे रोज वाटर की खुशबू आ रही है। The smell is really nice. मजा आया। अब पता तो चलेगा कि कितनी देर टिका के रखता है मेकअप को बाद में ही। मेकअप तो कर लिया है, अब थोड़ा अपनी लुक को भी इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। दिस इज द बेस्ट लुक आई कुड अचीव विद दिस मेकअप। सो अगर मेरे को ऑल एंड ऑल पूछा जाए कि शॉपी आपके मेकअप को मैं क्या रिव्यू देना चाहूंगी, सो आई विल गिव इट मे बी 6/10 बिकॉज क्वान्टिटी तो अच्छी है, प्राइस तो बहुत ही अच्छा है, बट द क्वालिटी इज नॉट सो नाइस। So this is the best I could achieve with this makeup. हालांकि ये lipstick इस outfit के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रही है, but all in all it looks good and it is very money saving. So अगर आपको ये video अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉपी के और भी पार्ट्स बनाऊँ तो कॉमेंट कीजिए एंड ढेर सारे कॉमेंट से भर दीजिए। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सायनारा।